हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और अगर आज अपने चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज सोनू बंसल एंड आई मेक वीडियोस ऑन फैशन, लाइफस्टाइल एंड ब्यूटी। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फ्लिपकार्ट कुर्ता सेट्स का रिव्यू। मैंने जो है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के अनारकली कुर्ताज लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा कलेक्शन अच्छा लगेगा, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो एंड कलेक्शन अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर पाए। एंड इन केस अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगता है और आप उसे बाय करना चाहते हैं तो मैंने सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, जो मैंने सबसे पहले कुर्ता सेट लिया है वो मैंने लिया है दिस ब्लैक कलर का कॉटन का कुर्ता सेट। इसमें आपको इस कुर्ता के साथ मिलता है ये प्लाजो। तो सबसे पहले आप कुर्ता देख लीजिए। कुर्ता मिलता है आपको कुछ इस तरीके का, मैंडरिन कॉलर नेक दिया गया है सबसे पहले तो। एंड देन यहाँ पे आपको ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो आपको ये बटन का क्लोजर दिया गया है। ये सारे बटन्स जो हैं ये ओपन हो सकते हैं। एंड देन आपको नीचे यहाँ पे हल्का सा स्लिट दिया गया है जो कि काफी अच्छा लुक दे रहा है आपको। एंड इसकी स्लीव्स की अगर मैं बात करूँ तो स्लीव्स आपको मिलती हैं 3/4 एंड यहाँ पे पूरे कुर्ते पे। एंड यहाँ पे आपको जो है वो गोल्डन कलर का फॉइल प्रिंट मिल जाता है। प्रिंट जो है वो आपको गोल्डन कलर का मिलता है और बहुत ज्यादा ब्राइट गोल्डन कलर नहीं दिया गया है आपको। बहुत ही जो मध्यम सा होता है यानी कि डल सा गोल्डन कलर का वर्क दिया गया है। तो ये कुर्ता सेट जो है वो डेली रूटीन के पर्पज से काफी अच्छा कुर्ता सेट है क्योंकि बहुत ज्यादा पार्टी वेयर वाला गोल्डन फॉइल प्रिंट नहीं दिया गया है इसमें आपको। एंड कुर्ता आपको मिलता है स्ट्रेट काफ लेंथ कुर्ता, दोनों साइड आपको स्लिट्स दिए गए हैं, स्ट्रेट हेम मिलता है। एंड बैक से इस कुर्ता को देख लीजिए आप, बैक में मिलता है आपको बिल्कुल प्लेन कुर्ता। तो इस कुर्ते की अगर फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक मिलता है आपको प्योर कॉटन का फैब्रिक। एंड देन इसको आप देख लीजिए, इसके साथ आपको मिलता है ये प्लाजो। प्लाजो जो है वो काफी अच्छा दिया गया है, प्लाजो का फिट भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें आपको सबसे पहले मिलता है यहाँ पे सेमी इलास्टिक वेस्ट बैंड, पीछे इलास्टिक, सामने फ्रंट में आपको बेल्ट दिया गया है। देन आपको दोनों साइड जो है वो पॉकेट्स नहीं मिलती हैं, सिर्फ एक ही साइड आपको पॉकेट मिलती है। और इसका लेंथ देख लीजिए, लेंथ आपको मिलता है एंकल लेंथ, प्लस इसका फिटिंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, प्रॉपर फिट आएगा आपको। एंड इसका शेप भी जो है वो प्लाजो का बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड प्लाजो पे आप प्रिंट देख लीजिए, बहुत ज्यादा प्यारा आपको जिगजैग वाला जो है वो गोल्डन फॉइल प्रिंट मिल जाता है जो कि अगेन आपको बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं दिया गया है, डल सा मिलता है। तो डेली पर्पज से बहुत ज्यादा अच्छा है। नीचे इसको आपका, नीचे आपको इस प्लाजो का हेम जो है वो कुछ इस तरीके का मिलता है। और इसका फैब्रिक प्लस कुर्ते का फैब्रिक दोनों सेम है, प्योर कॉटन का फैब्रिक है। थोड़ा सा मोटा वाला जो कॉटन होता है वो वाला इसका फैब्रिक दिया गया है। फैब्रिक इज गुड, पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, प्लस समर्स के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। एंड जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो लगा इस प्लाजो का फिट बहुत ज्यादा अच्छा है। पहनने के बाद में आप देख सकते हैं ट्राई ऑन में बहुत ज्यादा जो है वो प्लाजो का लुक आ रहा है इसमें। तो ओवरऑल अगर इस आउटफिट की बात करूं तो आउटफिट बहुत ज्यादा अच्छा है। और ब्रांड देख लीजिए पहले आप, ब्रांड है इसका पार्थवी, इसका ब्रांड मैंने लिया है पार्थवी, साइज मैंने लिया है स्मॉल। और इसका प्राइस है ये मुझे मिला है 750 रुपीज में। एंड ओवरऑल अगर इस आउटफिट की बात करूँ तो ये आउटफिट डेली पर्पज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छा है और आप इसे ऑफिस वेयर पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग कोई कुर्ता सेट ढूंढ रहे हैं देन यू गाइज कैन गो फॉर दिस, आई विल हाईली रिकमेंड दिस कुर्ता सेट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मैंने लिया है माई फेवरेट अगेन येलो कलर का कुर्ता सेट। इसमें आपको मिलता है दुपट्टा प्लस कुर्ता एंड प्लाजो। तो सबसे पहले कुर्ता देख लीजिए, कुर्ता आपको मिलता है इसमें स्ट्रेट काफ लेंथ कुर्ता। एंड पूरे कुर्ते पे जो है वो आपको ये मल्टी कलर के फ्लोरल प्रिंट दिया गया है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा फ्लोरल प्रिंट मिलता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, कलरफुल सा है। एंड नेकलाइन देखिए तो नेकलाइन आपको मिलता है यहाँ पे कुछ इस तरीके का राउंड नेक विद हल्का सा वी कट। एंड यहाँ पे आपको थोड़ी सी लेस की डिटेलिंग मिल जाती है नेक पे। स्लीव्स आपको मिलती हैं रेगुलर 3/4 स्लीव, स्लीव्स पे भी आपको जो है वो बहुत ही प्यारी यहाँ पे लेस की डिटेलिंग दी गई है। एंड यहाँ पे जिगजैग वाले लेस की डिटेलिंग दी गई है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। एंड कुर्ता आपको मिलता है स्ट्रेट काफ लेंथ कुर्ता और दोनों साइड आपको स्लिट्स मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको स्लिट्स पे जो है वो जिगजैग वाली लेस का पैटर्न दिया गया है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। एंड इसका हेम लाइन आपको मिलता है स्ट्रेट हेम। एंड बैक से भी कुर्ता देख लो आप, बैक में आपको मिलता है प्लेन प्रिंटेड कुर्ता। और ओवरऑल अगर इस कुर्ते की बात करूँ तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी कलरफुल सा है। एंड इसका मटेरियल जो आपको मिलता है वो मिलता है प्योर कॉटन का फैब्रिक जो कि अगेन समर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक है। एंड इस कुर्ते के साथ में आपको मिलता है ये शरारा पैंट,
कंट्रास्ट में आपको शरारा दिया गया है, व्हाइट कलर का शरारा है और इस शरारे पे आपको मिलते हैं ये ब्यूटीफुल सा फ्लोरल अगेन प्रिंट मिलता है, कलरफुल सा ही प्रिंट है। ब्लू, इसमें ब्लू येलो एंड रेड कलर का आपको फ्लोरल प्रिंट दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इलास्टिकेटेड वेस्ट बेल्ट मिलता है, पॉकेट्स आपको दोनों तरफ नहीं दी गई हैं। एंड शरारे का जो पैटर्न है वो देख लीजिए, शरारा आपको मिलता है यहाँ से फ्लेयर शरारा, एंड काफ़ी अच्छा जो है वो इसका फ्लेयर है। प्लस नीचे आप इसका हेमलाइन देखिए, हेमलाइन पे आपको कुर्ते वाले प्रिंट का बॉर्डर मिलता है, प्लस यहाँ पे जिगजैग वाले लेस की डिटेलिंग दी गई है, एंड यहाँ पे आपको लेस की लाइनिंग वाली डिटेलिंग दी गई है जो कि अगेन काफ़ी अच्छा लुक दे रही है इस शरारा को। तो ये शरारा जो है ये काफ़ी अच्छा है। एंड शरारे का फैब्रिक भी आपको मिलता है सेम कुर्ते वाला कॉटन का फैब्रिक जो कि अगेन समर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड इन दोनों के साथ में आपको मिलता है ये दुपट्टा, दुपट्टा जो है वो आपको मिलता है प्योर कॉटन का दुपट्टा, फुल 2.25 मीटर का दुपट्टा मिलता है, पूरा लंबा चौड़ा है देख लीजिए। और प्रिंट भी इस पर आपको सेम कुर्ते वाला प्रिंट मिलता है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। एंड बॉर्डर पे जो है वो आपको कुछ इस तरीके के बॉर्डर्स का डिज़ाइन मिल जाता है दुपट्टे पे, एंड यहाँ पे आपको साइड में लेस लगी हुई मिलती है जिगजैग वाली, दुपट्टे के चारों तरफ आपको जिगजैग वाली लेस की डिटेलिंग मिलती है, एंड दोनों तरफ आपको यहाँ पे बॉर्डर दिया गया है। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छा जो है वो दुपट्टा मिलता है, फुल लेंथ दुपट्टा मिलता है, दुपट्टे का फैब्रिक इज ऑल्सो कॉटन का। तो ओवरऑल ये आउटफिट जो है ये वैसे तो डेली वेयर पर्पस के अकॉर्डिंग का ही आउटफिट है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे फेस्टिव पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके साथ हल्का फुल्का ज्वेलरी एक्सेसराइज कर लीजिए तो ये आउटफिट आपका पार्टी वेयर आउटफिट बन सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आउटफिट है। प्लस इसका जो ये फ्लोरल डिज़ाइन है वो इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस साइज एंड ब्रांड की, तो ब्रांड मैंने इसका लिया है, ब्रांड यहाँ पे मेंशन नहीं है तो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और इसका साइज मैंने लिया है मीडियम, एंड ये मुझे मिला है 950 रुपीज का, तो प्राइस के अकॉर्डिंग भी ठीक ठाक है। थोड़ा सा 950 का एक्सपेंसिव है, बट आप ये देखिए 950 में आपको शरारा सूट मिल रहा है, क्योंकि 950 में आपको शरारा कुर्ता प्लस दुपट्टा मिल रहा है, तो नॉट ए बैड डील। अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, आई विल हाईली रिकमेंड दिस। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मैंने लिया है दिस ग्रीन कलर का अनारकली कुर्ता। कुर्ते का पैटर्न देखिए, पैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा है इसका। इसमें आपको सबसे पहले तो इस कुर्ते में मिलता है ये इनर, इनर देख लीजिए, इनर आपको मिलता है प्योर कॉटन का इनर, यहाँ पे राउंड नेक दिया गया है, स्लीवलेस है, और यहाँ पे हल्का सा गोल्डन फॉइल प्रिंट का जो है वो पट्टी का बॉर्डर दिया गया है, और बाकी जो है वो ओवरऑल अंदर इनर जो है वो आपको बिल्कुल प्लेन मिलता है। ए लाइन कुर्ता मिलता है, नीचे आपको हल्का फुल्का फ्लेयर्ड हैम मिल जाता है, बैक से भी आपको बिल्कुल प्लेन इनर मिलता है। इनर का फैब्रिक इज कॉटन का फैब्रिक जो कि कंफर्टेबल है। एंड इस इनर के ऊपर आपको मिलता है ये देखिए, काफ़ी अच्छी जो है वो आपको फ्लेयर्ड जैकेट मिलती है। और प्रिंट देखिए, सबसे पहले तो आप इसका प्रिंट देखिए, सेल्फ प्रिंटेड आपको कपड़ा मिलता है, पास से देख लीजिए थोड़ा सा अगर आपको दिखता है तो, कुछ इस तरीके का जो है वो कॉटन का सेल्फ प्रिंट डिज़ाइन दिया गया है। और इसका जो कलर है ये ना ही बॉटल ग्रीन कलर है ना ही ब्लू कलर है, तो आई थिंक ये आपको मिलता है पिकॉक कलर का, तो कलर जो है वो इसका काफ़ी अच्छा है। एंड देन जैकेट का पैटर्न देखिए, जैकेट का पैटर्न है कि आप इसको डायरेक्ट वेयर कर लीजिए, एंड देन आपको यहाँ पे टाई करने के लिए जो है वो यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स दिए गए हैं। और नेक देखिए, इसका नेक आपको मिलता है वी नेक, और यहाँ पे हल्की फुल्की आपको गोल्डन फॉइल प्रिंट मिल जाता है। स्लीव्स आपको दी गई हैं फुल स्लीव्स, स्लीव्स काफ़ी अच्छी हैं, स्लीव्स पे भी आपको सेल्फ प्रिंट का जो है वो लाइनिंग वाला डिज़ाइन दिया गया है। और नीचे देखिए, नीचे आपको पूरा मिलता है अनारकली फ्लेयर्ड कुर्ता, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर दिया गया है। प्लस इस जैकेट में आपको यहाँ से कट दिया गया है, ये टाई कर लीजिए, देन ये साड़ी जो है वो ओपन रहेगी, नीचे से यहाँ पे आपका जो इनर है वो विजिबल होगा। तो फ्लेयर देखिए, फ्लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस फ्लेयर के कारण ये जो कुर्ता है बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लुक देता है। एंड नीचे पैटर्न देखिए इस जैकेट का, नीचे वाला पैटर्न भी जो है वो आपको दिया गया है रफल वाला पैटर्न, देखिए ये वन रफल, देन सेकेंड रफल, एंड ये थर्ड रफल। एंड नीचे से इसका हेम देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा हेम दिया गया है,
बैक पे देखिए, बैक से भी आपको जो है वो प्लेन मिलता है एंड सेम पैटर्न मिलता है। तो ओवरऑल जैकेट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देती है, बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लेयर जैकेट है। आप इसको एग्जैक्टली लुक आप देख सकते हैं ट्राई ऑन में कि ये कैसी लग रही है। और इसका फैब्रिक भी आपको मिलता है प्योर कॉटन का फैब्रिक, बहुत ज़्यादा अच्छी जैकेट है। इसका जो ब्रांड है वो मैंने लिया है सोच। एक्चुअली सोच ब्रांड के जो सारे कुर्ता सेट्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे एंड आप इस ब्रांड को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने इसका साइज़ लिया है स्मॉल एंड ये मुझे थोड़ा सा हल्का फुल्का लूज़ है, बट क्योंकि स्मॉल साइज़ जो था वो सबसे ज़्यादा स्मॉल था इनका, तो मुझे इसको क्या है थोड़ा हल्का फुल्का जो है वो टाइट करवाना पड़ेगा, तो ये आउटफिट जो है मुझे परफेक्टली फिट हो जाएगा। तो अगर आप मेरे टाइप के हैं तो आप इसमें स्मॉल साइज़ ही लीजिएगा। एंड इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस यहाँ पे मेंशन है 2998 एंड आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे मिला है 1200 रुपीज का। तो आई थिंक 1200 रुपीज इज वर्थ बिकॉज ऑफ दिस जैकेट का फ्लेयर, काफी अच्छा लुक देता है ये। आपको पार्टी वेयर पर्पज से भी आप इस कुर्ता सेट को यूज कर सकते हैं, आप इसके साथ अच्छी सी ज्वेलरी एक्सेसराइज कर लीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा ये कुर्ता सेट आपको लुक देगा। आई विल हाईली रिकमेंड दिस। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, अगेन दिस येल्लो कलर का अनारकली गाउन। गाउन देख लीजिए आप, पहले आप इसका नेकलाइन देखिए, आपको राउंड नेक मिल जाता है, प्लस यहाँ पे योक पे आपको मिरर प्लस गोटा पत्ती का डिज़ाइन दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन वर्क दिया गया है एंड यहाँ पे आपको चार बटन्स के जो है वो डिटेलिंग मिल जाती है। और स्लीव्स देखिए, स्लीव्स आपको मिलती हैं 3/4 एंड स्लीव्स पे आपको दिया गया है यहाँ पे थ्रेड वर्क की एम्ब्रॉयडरी का वर्क जो कि अगेन काफ़ी हैवी है। और यहाँ पे आपको मिलता है हल्का फुल्का मिरर वर्क, तो वर्क है वो काफ़ी अच्छा है। एंड नाउ आप नीचे देख लीजिए, नीचे आपको मिलता है इसका फ्लेयर्ड हैम। फ्लेयर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेयर दिया गया है, प्लस यहाँ पे देखिए फ्लेयर पे भी आपको यहाँ पे रफल्स वाला पैटर्न दिया गया है, एक रफल्स, दो, तीन, चार, पाँच, तो ये रफल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा इस कुर्ते को लुक देते हैं। एंड यहाँ पे आपको गोटा पत्ती का जो है वो भी डिज़ाइन दिया गया है, तो देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ये गाउन। एंड नीचे आपको इसका हैम मिलता है, फ्लेयर्ड हैम। एंड देन बैक से आप देखिए, आपको यहाँ पे योक पे दिया गया है थ्रेड वर्क की एम्ब्रॉयडरी। एंड देन नीचे आपको सेम जैसे फ्रंट में था वैसा ही आपको नीचे फ्लेयर्ड हैम मिल जाता है पूरा। तो गाइज देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है वो आपको अनारकली फ्लेयर्ड गाउन मिलता है, पहनने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है। एंड क्योंकि इसका येलो कलर है तो फेस्टिव अप्रोप्रिएट कलर है, तो ये कलर भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लुक देगा। तो बात कर लेते हैं इसके प्राइस, साइज एंड ब्रांड की। ब्रांड यहाँ पे मेंशन नहीं है, ब्रांड मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। साइज मैंने लिया है मीडियम एंड ये मुझे मिला है, बहुत ज़्यादा सस्ता मिला है, ये मुझे 450 रुपीज़ का ही मिला है। तो 450 रुपीज़ में आपको इतना ज़्यादा प्यारा गाउन मिल रहा है, तो आई थिंक दिस वन इज़ ए मस्ट हैव अनारकली कुर्ता। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है, आप इसके साथ जाना चाहते हैं, देन यू गाइज कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन। लास्ट मैंने लिया है दिस बॉटल ग्रीन कलर का कुर्ता सेट। मैं आपको अपनी ऑलरेडी 2-3 वीडियो में बता चुकी हूँ कि बॉटल ग्रीन कलर जो है वो मुझे कुर्ता सेट्स का वीडियो बनाते बनाते ही मेरा फेवरेट कलर हो गया। इसमें आपको इस कुर्ते के साथ मिलता है ये प्लाजो पैंट। तो सबसे पहले आप कुर्ता देख लीजिए, कुर्ता जो है वो आपको मिलता है स्लिट वाला कुर्ता। यहाँ पे सबसे पहले आपको राउंड नेक मिल जाता है एंड हल्का फुल्का यहाँ पे आपको गोल्डन लेस की डिटेलिंग मिल जाती है। देन आपको यहाँ पे जो है वो कुछ इस टाइप की आपको ये डिटेलिंग दी गई है एंड स्लीव्स आपको मिलती हैं रेगुलर 3/4 स्लीव्स। स्लीव्स पे आपको बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर का फॉइल प्रिंट मिल जाता है। एंड देन आप बैक से देख लीजिए, बैक में नहीं, सबसे पहले आप फ्रंट देखिए। फ्रंट में आप नीचे जो है वो आपको योक से लेके नीचे तक हैम लाइन तक आपको यहाँ पे स्लिट वाला पैटर्न मिलता है। ये ए लाइन कुर्ता है एंड यहाँ पे नीचे आपको फ्लेयर पे मिल जाता है, जैसा कि आपको स्लीव्स पे गोल्डन कलर का फॉइल प्रिंट दिया गया था वैसा ही आपको सेम फॉइल प्रिंट जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी अच्छा गोल्डन फॉइल प्रिंट दिया गया है एंड क्योंकि बॉटल ग्रीन कलर पे ये गोल्डन कलर का फॉइल प्रिंट आपको मिलता है, तो ये बनाता है इस कुर्ता सेट को फेस्टिव अप्रोप्रिएट। एंड बैक से भी देख लीजिए, बैक में आपको योक पे मिलता है गोल्डन कलर का फॉइल प्रिंट एंड नीचे भी आपको मिलता है गोल्डन कलर का फॉइल प्रिंट। तो ये जो गोल्डन कलर का फॉइल प्रिंट है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको गोल्डन फॉइल प्रिंट दिया गया है, तो इसके कारण ये कुर्ता सेट काफ़ी अच्छा आपको फेस्टिव वाला लुक दे रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसके फैब्रिक की, तो फैब्रिक आपको मिलता है विस्कोस रेयॉन का फैब्रिक, बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट फैब्रिक मिलता है। एंड इस कुर्ते के साथ में आपको मिलता है ये प्लाजो पैंट, वी कैन से दैट ट्राउजर पैंट,
इसका इलास्टिकेटेड वेस्ट बेल्ट मिलता है आपको, एंड इसमें आपको पॉकेट्स नहीं दी गई हैं, और पूरे ट्राउजर पे जो है वो आपको कुछ इस तरीके का गोल्डन फॉइल प्रिंट दिया गया है। अगेन काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, एंड इसका फिट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्रॉपर आपको फिटेड ट्राउजर पैंट आएगा। एंड इसका लेंथ आपको मिलता है एंकल लेंथ, एंड नीचे इसका हेमलाइन जो है वो आपको कुछ इस तरीके का शॉर्ट सा हेम दिया गया है, तो ये एक्चुअली आपको फिटेड हेम आएगा। और इसका भी फैब्रिक आपको मिलता है विस्कोस रेयॉन का फैब्रिक, तो देख सकते हैं ट्राउजर पैंट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा गोल्डन फॉइल प्रिंट दिया गया है, कुर्ता भी काफ़ी अच्छा एंड अट्रैक्टिव लग रहा है। बात करें ब्रांड साइज एंड प्राइस की, तो प्राइस आई थिंक था इसका 700 के अराउंड, एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। एंड साइज मैंने लिया है यहाँ पे मीडियम, एंड ये मुझे मिला है, एंड ब्रांड यहाँ पे मेंशन नहीं है तो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कुर्ता सेट है, प्लस कलर भी काफ़ी अच्छा है, एंड इसका गोल्डन फॉइल प्रिंट जो है वो इसको बनाता है फेस्टिव अप्रोप्रिएट। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो एंड कलेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट आप मेरे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर पाएं। एंड मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट हॉल किस पर देखना चाहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, टाटा।